जय माता दी। दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं मावा और खोवा से बाटी, जिसे मावा बाटी बोलते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के हम टेस्टी मावा बाटी बना के दिखाएंगे। तो इसके पहले, अगर चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी आल वाले ऑप्शन पे दबा लीजिए। तो गाइस, हम चलते हैं बनाने की ओर। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे काजू और बादाम और गरी। तो इनको हम छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। तो आप और भी ड्राई फ्रूट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी मैदा लिए हैं, एक कटोरी हमारा मैदा है। और इधर हमने 200 ग्राम मावा यानी खोवा लिए हैं। इसको हम अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। तो आप और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट हो। तो आप कम बेसी भी मात्रा में ड्राई फ्रूट को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट को डाल लेंगे। उसके बाद कुछ हमारे पास किशमिश है, इसको भी हम डाल दे रहे हैं। तो और भी ड्राई फ्रूट हो तो आप और भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से हम मिक्स करके भरने के लिए हम पेस्ट तैयार करेंगे इस तरह से। तो हम लेंगे मैदा जो हमने दिखाए थे, एक कटोरी हमारा मैदा है करीब 200 ग्राम। तो उसमें इस तरह से हम मीडियम कंचूर से 2 कंचूर रिफाइंड डालेंगे मोयम के लिए, तो ताकि हमारा बाटी मावा खस्ता बने। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह का हमारा मोयम हो गया है, देखिए। अब हम इसमें पानी की मदद से हम डो को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह का हमारा डो है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा। तो बिल्कुल इस तरह का हमारा डो तैयार है। तो जब तक हम चाशनी बनाएंगे तब तक इसको ढक के रख दे रहे हैं साइड में। तो हमें चाशनी बनाने के लिए पैन में हम एक कटोरी चीनी ले रहे हैं, और इसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा हमें यहाँ पे पानी डालना है, और एक तार की हमको चाशनी तैयार करना है। तो हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर चाशनी को तैयार करेंगे चलाते हुए। तो यहाँ पे इलायची जो हमारे थे, हम इसको अच्छे से कूट के इस तरह छिलके सहित डाल दे रहे हैं, ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारे चाशनी में हो जाए। तो आप यहाँ पे कोई और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे गुलाब जल या केसर का भी फ्लेवर दे सकते हैं। जो जिस तरह आपको चाहिए फ्लेवर, उस तरह से फ्लेवर दे सकते हैं। वैसे तो इलायची का फ्लेवर अच्छा होता है। तो हमारे चाशनी तैयार हो गई इस तरह से एक तार की। तो इसको रखते हैं साइड में, फिर हम बाटी को बनाएंगे अब। तो देख लीजिए, मैदा हमारे अच्छे से सेट भी हो चुके हैं इस तरह से। अब हम लोइया काटेंगे, जितना बड़ा हमको बाटी बनाना है। तो इसी प्रकार से हम लोइया को काटेंगे और बाटी भरेंगे, तब फिर फ्राई करेंगे। तो अच्छे से हम गूंद ले इस तरह से मैदे को। उसके बाद हम इस तरह से लोइया तोड़ेंगे और फिर हम बाटी को भरेंगे मावा उसमें, फिर हम फ्राई करेंगे। तो पहले लोइया कटिंग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से करने के बाद, जैसे आप पूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरह से कटोरियाँ बना के उसमें खोवा मावा जो मिक्स किए हैं हमने, इसमें भरेंगे इस तरह से। उसके बाद फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से चारों कोने बराबर करते हुए बीच में हम इस तरह से पैक कर देंगे, ताकि हमारे मावा बाहर न आए। इस तरह से करते हुए बढ़िया से हम बना लेंगे बॉल्स को, यानी मावा बाटी को। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमको जितना फ्राई करना है उतना हम पहले बना लेते हैं। तो फिर बनाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। तो हमें जितना फ्राई करना है उतना हम बना लेते हैं।
तो इस तरह से आप बाटी को बना लीजिए, फिर फ्राई करेंगे। इतने हमारे बाटी बन के रेडी हो गए, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें रिफाइन यूज यहाँ पे करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे पैन में रिफाइन तेल। तो रिफाइन तेल हमारा गर्म हो रहा है, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर बाटी को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम अच्छे से बाटी को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छे से हमारा मावा बाटी जो ये है अंदर से भी पक जाए और खस्ते हो। तो हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, हमें मीडियम फ्लेम पर बाटी को ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। तो देखिए बिल्कुल मज़ेदार यह रेसिपी मावा बाटी की तैयार हो रहा है। तो आप दुकान पे जाने से पहले इस तरह का वीडियो रखिए और घर पे भी बना कर खाए और फैमिली में शेयर करें। तो ब्राउन कलर के हमारे बाटी हो गए हैं, अब चाशनी में हम डाल देंगे इस तरह से। तो चाशनी में डालने के बाद हम इसको जब तक हमारा दूसरा घान न फ्राई हो जाए तब तक हम बाटी को इस तरह से चाशनी में रहने दें, ताकि अच्छे से हमारा बाटी चाशनी में डूब जाए और अच्छे से सीरा अंदर तक पी ले, तब फिर हम बाटी को सर्व करेंगे। तो पहले इस तरह से हम बाटी फ्राई जब तक हमारा होगा तब तक इस तरह से हम चाशनी में रहने दे रहे हैं। तो इसी तरह हम फिर सारे बाटी को मीडियम आंच में फ्राई कर लेते हैं। तो तब तक हम पहले वाला बाटी को निकाल लेते हैं चाशनी से बाहर, ताकि फिर हम दोबारा जो फ्राई कर रहे हैं उसको भी इसमें डाल के चाशनी में तैयार करेंगे। तो गाइस सारे हमारे बाटी फ्राई हो चुके हैं, अब थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे तो इस तरह से ऊपर से डाल दिए हैं, ताकि एकदम से बढ़िया मार्केट जैसा हमारे मावा बाटी दिखे और खाए। तो इस तरह के आप बाटी ज़रूर बनाएं और मज़ेदार यह बिल्कुल रेसिपी है। इस तरह के मावा बाटी तो कहीं कहीं दुकान पे मिलते हैं, तो हमारे यहाँ तो मिलते हैं, आपके यहाँ मिलते हैं कि नहीं ये मावा बाटी, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फैमिली के लिए सब प्लेटिंग कर रहे हैं, इस तरह से मावा बाटी सारे हम प्लेट में लगा रहे हैं, ताकि एक एक बाटी सब लोग को मिले और खाए और आनंद ले। तो बिल्कुल यह मज़ेदार रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, जितना खाने में अच्छा लगेगा उतना बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल इस तरह का मावा बाटी आप ज़रूर बनाएं। तो गाइस हम प्लेटिंग कर रहे हैं, तो ऊपर से हम थोड़ा सा चाशनी को डालेंगे, ताकि जो गुजिया खाते हैं बाटी दुकान में खाते हैं उस तरह का फीलिंग आपको लगे। तो बिल्कुल इस तरह से हम चाशनी को डाल के, तो कुछ टूटी फूटी हमारे जो इसमें थे ड्राई फ्रूट उसको भी इस तरह से लगा देते हैं, ताकि देखने में एकदम अच्छा सा लुकिंग हमारा मावा और बाटी लगे। तो बिल्कुल इस तरह का बाटी हमारा तैयार है गाइस। तो गाइस इस तरह का रेसिपी देखने के लिए अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को आल वाले पर क्लिक कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन हमारे रेसिपी का हमेशा मिलता रहे। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी अगले नए रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।